नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दयो बताए। इन दो पंक्तियों में, या आप यूं कहें कि इन चार पंक्तियों में वो भाव है जिस पर आज हमारी ये खबर होगी और उसका विश्लेषण होगा। खबर यह है कि हिंदुस्तान आवामी पार्टी अर्थात हम, उसके सर्वे सर्वा आला, या यूं कहें अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया। बयान क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि खबरें ये आई कि उन्होंने बयान दिया कि वाल्मीकि महान थे और राम से वो बड़े हैं। राम तो एक काल्पनिक चरित्र हैं। बड़ा सवाल है कि किसी भी हिंदू को जब ये बात सुनने में आएगी तो उसे बुरा लगेगा, उसकी आस्था पर चोट लगेगी। इसलिए सच क्या है ये जानना जरूरी है। आप माने या ना माने, इसके प्रति कोई आग्रह नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इस संदर्भ में हम सीधे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हिंदुस्तान आवामी पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से बात की। हमारे सहयोगी ने उनसे जो वार्ता की उसके अंश सुनिए। सर, आज आपका एक बयान आया हुआ है कि भगवान राम को लेकर के, क्या कई जगहों पर चल रहा है कि आपने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि भगवान राम से बड़े वाल्मीकि थे, राम एक काल्पनिक थे। तो इससे साफ है कि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है। ये एक बड़ी खबर है जिस खबर पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एवी स्टार न्यूज के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने ये कहा कि वो अपने पहले के बयान पर कायम है, लेकिन उन्होंने राम को काल्पनिक चरित्र नहीं बताया। निश्चित रूप से इस खबर को जानने के बाद थोड़ा सा आश्वासन मिला अपने को शांत करने का, क्योंकि एक बार फिर एक पत्रकार होने के साथ कोई भी व्यक्ति, अगर वो हिंदू है, तो राम के काल्पनिक चरित्र पर अगर कोई बात आती है तो सवाल उठाएगा। और इसीलिए हम एक जिम्मेदार प्रवक्ता पत्रकार होने के नाते ये सवाल जीतन राम मांझी से किए, और उसके बाद उन्होंने फिर हमारे सहयोगी शिवदत्त नारायण त्रिपाठी से क्या वार्ता की, क्या कहा, वो जरूर सुनिए आप। सर, आज आपका एक बयान आया हुआ है कि भगवान राम को लेकर के, क्या कई जगहों पर चल रहा है कि आपने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि भगवान राम से बड़े वाल्मीकि थे, राम एक काल्पनिक थे। ये तो पुरानी नहीं हो गई। सर, आज आपका एक इसके बाद उन्होंने अपने प्रवक्ता का नाम लिया शिशिर कौंडिन्य, और शिशिर साहब से भी हमारे सहयोगी शिवदत्त नारायण त्रिपाठी ने जो बात की उसे सुनिए। बताया तो मतलब उस हिसाब से, और वाल्मीकि जी ने रामचरित की रचना की तो ये तो अंडरस्टूड है। ये दिए उन्होंने ये बयान दिया था कि जो है उसमें ये खबरें चल रही हैं कि जो है कार्यकारिणी की बैठक में मांझी जी ने एक बयान दिया कि राम एक काल्पनिक थे और राम से बड़े वाल्मीकि। नहीं, ये बयान नहीं दिया है उन्होंने। ये बयान नहीं दिया, कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अपने पूर्व के बयान पे हम कायम हैं। अच्छा। और वाल्मीकि जी ने रामचरित की रचना की है, इसलिए वाल्मीकि महान है। जी जी जी, राम से ज्यादा महान वाल्मीकि है जी, ठीक है ना, ये बात उन्होंने कही। इस खबर की पड़ताल हमने यूं की कि वास्तव में क्या कहा गया है और क्या खबरों में आया है, हमें सच जानना जरूरी है। लेकिन मांझी साहब ने यह साफ कहा हमारे सहयोगी से कि यह बात पुरानी हो गई। उनके प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, लेकिन 22 सितंबर को उन्होंने क्या बयान दिया था, जरा आप ग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए देखिए।
आपने जो बयान दिया था वो ये था भगवान श्री राम कोई जीवित या महापुरुष व्यक्ति थे ये मैं नहीं मानता, पर रामायण में जो बातें बताई गई हैं वो सीखने वाली हैं। अब जीतन राम मांझी ये बात कहें और हम स्वीकार कर लें क्योंकि वो नेता हैं, सम्मान है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जो हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, अगर वो काल्पनिक कह दिए जाएं, तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है। और इसके बाद शिशिर कौंडिन्य जी से जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने वाल्मीकि को महान बताया, राम पर कोई टिप्पणी नहीं की। थोड़ा आश्वस्त हुए, लेकिन शिशिर कौंडिन्य जी और क्या बातें कर सकते हैं, या मांझी साहब के बयान पर जो इतनी बातें हो रही हैं उसके मायने क्या है, आज हम उसी से उन्हीं से बात कर लेते हैं। शिशिर कौंडिन्य हमारे साथ सीधे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और हम उनसे पूछेंगे कि अब आप बताइए कि राम काल्पनिक थे या महान थे। वैसे हम आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने शुरुआत जब की थी तब हमने कहा था कि गोविंद से बड़ा बड़ा गुरु होता है। क्यों? क्योंकि गुरु हमें उस प्रभु श्री राम तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, इसलिए वाल्मीकि हमारे लिए महान है, लेकिन राम काल्पनिक चरित्र नहीं हो सकते, यह स्पष्ट है। अगर इस मान्यता पर कोई सवाल है तो आज हम कौंडिन्य जी से यह सवाल जरूर करना चाहेंगे। कौंडिन्य जी, आप एबीसी स्टार न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर, मांझी साहब ने जो बयान दिया वो था क्या? देखिए, मांझी साहब ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी बैठक थी जी, उसमें भगवान श्री राम पे कोई बयान नहीं दिया जी। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उन्होंने चूंकि ये महासंयोग कहा जाए कि जिस दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी जी, उस दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती थी जी, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उसके बाद उनसे जब सवाल पूछा गया जी, तो उन्होंने साफ तौर से एक बात कहा कि चूंकि रामचरितमानस की रचना वाल्मीकि ने की, इसीलिए वाल्मीकि, इसमें दो राय नहीं जी, और ज्यादा इस पर कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं। तो फिर उन समाचार पत्रों ने या मीडिया का कोई भी मैं आपको उस बयानों पे भी तमाम तरह की जो चर्चा हुई अखबारों में जी, टेलीविजन पे जो बात आई उस पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा है कि राम को केवल एक महापुरुष के रूप में और समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अच्छा। राम कौन? जो सब में रमण करता हो वो राम, राम एक व्यक्ति नहीं। हाँ। तो और उन्होंने जब पूर्व में बातें आई थी तो ये बात भी थी कि रामचरितमानस को जो पुलिस बच्चे हैं उनके सिलेबस में शामिल करने की बात पे चर्चा हुई थी, चर्चा उन्होंने इस बात को भी कहा, उन्होंने इस बात को भी कहा, रामचरितमानस जो लिखा गया है बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हैं, वो सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। ये विवाद कहाँ उत्पन्न हो रहा है, ये तो मतलब मुझे ये पूरा पूरा ऐसा लगता है कि तमाम ये जो बातें हैं वो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेशन है, और पूरी तरह चूंकि खबरें वो चले जो बिके तो ये बिकने वाली खबर थी, लिहाजा इस तरह की खबरें आप लोग चला रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि हम जो चला रहे हैं वो आपकी बात क्या है वो बताने के लिए, और अगर आप उसमें बताने में गलती करेंगे तो आज हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। क्या है जी हमारी बात क्या है, ये मैं भी तो आपके सामने रख रहा हूँ, वही मैंने तो आपसे बात की और वही प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया,
ठीक है ना, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को महान बताया, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? महर्षि वाल्मीकि महान थे, इसमें कोई कहने की। कौंडिन्य साहब पहले तो स्पष्ट सुनिए, वाल्मीकि हमारे लिए महान है, पूजनीय है, क्योंकि वो सदगुरु हैं। ये सनातन धर्म हिंदू आस्था के प्रतीक इसलिए हैं क्योंकि गुरु हमें गोविंद का रास्ता बताता है, इसलिए वो महान तो हैं ही, लेकिन राम काल्पनिक नहीं हो सकते। अगर आपकी तरफ से स्पष्ट हो जाए तो बात खत्म। नहीं, एक राम को केवल एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि राम कौन जो सब में रमण करता हो, हमारे आप में सब में। मैं आपके सामने फिर सवाल करता हूं, तरीके से भगवान राम महापुरुष ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए जी, आपने मुझे हाँ चैनल पे आमंत्रित किया है तो मुझे भी कहने का मौका मिलना चाहिए। जी बोलिए। अभी तो फिर आप ही कहते रहिए। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो कंटेक्स्ट था बयान का वो क्या था, वो ये था कि रामचरित मानस को सिलेबस में शामिल करने की बात कई संस्थाएं या कह लीजिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने भी जो है वो इसकी मांग की थी, इस पर ये चर्चा आई और उस पर उन्होंने बयान दिया। ठीक है। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया सबके सामने, मीडिया के सामने भी, और मैं भी स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जी, कहीं से भी राम जो है रामचरित मानस जो सिलेबस में शामिल किए जाने की बात उसकी रही है या कि उसके समर्थन में कल भी मेरी पार्टी थी और आज भी हमारी पार्टी। आपको इस तरह के बयानों को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए, वो जहां तक मेरा मानना है। बाकी चलिए ठीक है, खबरों का अपना मिजाज होता है, पत्रकारिता का भी अपना मिजाज है, तो उस मिजाज से अगर आप इस हिसाब से स्टोरी कर रहे हैं ताकि स्टोरी आपकी बिके, मैं आपको इसके लिए शुभकामना दूंगा। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं शायद आप समझें, अगर आपने नहीं कहा तो एवी स्टार न्यूज पर इतना स्पष्ट कह दीजिए कि राम काल्पनिक चरित्र नहीं है, ये तो आप मानेंगे और ये आप कह दीजिए बस। हमने स्पष्ट कर दिया आपको जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं जी, राम को केवल एक महापुरुष के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राम वो जो सब में रमण करता जी, और इसलिए राम सबके हैं। इस पर रही बात, और जो इस कंटेक्स्ट में बयान आया जी, मैं उस कंटेक्स्ट की चर्चा भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि चूंकि रामचरित मानस को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उस पर मेरी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि चूंकि उसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हैं, इसीलिए बच्चों के सिलेबस में उसे शामिल किया जाना जरूरी है, जरूर शामिल किया जाना चाहिए रामचरित मानस को बच्चों के सिलेबस। ये स्पष्ट बयान है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ कहीं से ही बट्टा मसला नहीं। बाकी आपको जो भी चलाना है अपने तरीके से आप चलाएंगे, वो आपका प्रिविलेज है, आपका विशेषाधिकार। एक ट्वीट किया गया था जीतन राम जी की तरफ से, ये जो हम कह रहे हैं बस सदियों का दर्द है, गुस्से का अब तक हमने इजहार कहां किया, धर्म के राजनीतिक ठेकेदारों की जबान ऐसे मामलों पर चुप हो जाती है, ये प्रतिक्रिया क्या है सर? ये प्रतिक्रिया पे मैं भी जो बात रखना चाहूंगा, आप देखिए छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं जी, जैसे कहीं मंदिर में दलित पूजा करने जाते हैं तो मंदिरों को धोया जाता है उसके बाद, कहीं मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, तो इस तरह की जो व्यवस्था अपने समाज में अपने देश में है, और कोई एक तो घटना नहीं, अखबारों में रोजमर्रा ये घटनाएं चर्चा में आती रहती है, अखबारों में खबर छपती है। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये सदियों का दर्द है, गलत क्या है इसमें? हम मानते हैं सामाजिक कुरीति का अंत किया जाना ही चाहिए। सुन लीजिए पहले, हाँ मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है, कि देवघर में बाबा सिद्धनाथ का मंदिर है जी, ठीक है, वहां उसको बैद्यनाथ धाम, कोई बाबा धाम, कोई कुछ जो है वो कहते हैं, ठीक, तो बाबा बैद्यनाथ सिद्धनाथ का मंदिर है वहां जी। एक जमाना था जब वहां दलितों का प्रवेश वर्जित था जी, लेकिन बिहार के कुछ ऐसे लीडर जो दलित वर्ग से नहीं आते, वो जो है वो कुछ लोग तो
उच्च श्रेणी से थे और कुछ लोग सामाजिक समरसता को समाज में लाना चाहते थे। वो एक मतलब आंदोलनकारी कलेजे की व्यक्तित्व था उनका। और उन्होंने आज जिस दिन आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि श्री बाबू उनमें से एक थे, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर कृष्ण सिंह, और उन्होंने वहां पर डंडे खा करके और दलितों का, जबकि वो उच्च जाति से आते थे, उच्च वर्ग से, उच्च समाज से वो आते थे, ठीक है, दलितों का प्रवेश वहां पे सुनिश्चित कराया देवघर मंदिर में। तो क्या अगर ये दर्द कि भाई समाज दलित वर्ग के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है समाज के कुछ लोगों के द्वारा, समाज के कुछ लोगों के द्वारा वो जब दलित मंदिर में जाते हैं तो वहां जो है बाद में मंदिरों को धोया जाता है, ये तो न्यायपूर्ण तर्कसंगत बात नहीं है ना कौंडिन्य साहब। अब मेरी बात सुनेंगे, मैं अब जो कहना चाह रहा हूं उसे सुनिए। इस ये कोई नई बात नहीं है, इस सामाजिक कुरीति का समाज कैसे चेते जी, समाज कैसे चेतेगा? हाँ, हम अगर समाज से कोई शिकायत है हमारी जी, समाज के समक्ष अपने शिकायत दर्ज करेंगे, ये हमारा दायित्व बनता है। अब मैं सवाल करूं जी, बताएं। सवाल ये है कि किसी भी सामाजिक कुरीति का हो, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए, उसमें परिष्कार किया जाना चाहिए, पूरी तरह से उसे खत्म करने के लिए एक मुहिम छेड़नी चाहिए, क्योंकि कुरीति का अंत होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या किसी आस्था पर ही चोट कर देना ही जरूरी है? नहीं, यहाँ पे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, ऐसा उनका कतई उद्देश्य नहीं था जी, और ना उद्देश्य है। वो आज भी सनातन परंपरा, सनातन धर्म को वो अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, लेकिन जो कुरीतियां हैं जो उसमें वहां पे जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की स्थिति कुछ लोगों के द्वारा पैदा की गई है, उस पे प्रहार होना चाहिए, और उस प्रहार का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, हमारी पार्टी भी पुरजोर समर्थन। राम वो चरित्र है कौंडिन्य साहब, जो केवट के पांव पड़े, जो शबरी के बेर खाए और उनको गले लगाया, उनसे उन्होंने सहायता मांगी, कोल किरात भील इन सब को अपना सहयोगी माना अपने मुश्किल के दौर में। राम तो वो चरित्र हैं, फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे नहीं? तो राम को उन्होंने गाली थोड़े ही दिया साहब। हाँ, यही मैं भी सुनना चाहता हूँ। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं। आपको, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जी जी जी, राम केवल एक व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल सही बात। आपको बार बार कहा, राम कौन? जो सब में रमण करता हो वही राम है, और उसका चरित्र लिखा गया। वाल्मीकि जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महान कहा, रामचरितमानस को सिलेबस में शामिल करने का समर्थन किया, फिर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही? कौंडिन्य साहब, आपने एवी स्टार न्यूज के सामने अपना पक्ष रखा और एवी स्टार न्यूज ने जिम्मेदारी के साथ आपके साथ बातचीत की, और आपने जब स्पष्ट किया कि भगवान राम सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, हर व्यक्ति के हृदय में रमण करते हैं, बात खत्म। और यही आस्था का वो प्रतीक है, वो चरित्र जिसे हम प्रभु श्री राम कहते हैं, और इनके चरित्र को लिखने वाले, उसका मंडन करने वाले वाल्मीकि हमारे लिए देवर्षि हैं, सदगुरु हैं, वो हमारे लिए महान तो हैं ही। बस एबी स्टार न्यूज ने अपनी पड़ताल की, आपने उसके सामने वो सारी बातें रखी, हमें लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, और इस तरीके से खबर एक सही दिशा में गई और हर एक हिंदू के मन में वो आस्था जो कहीं से थोड़ी सी हिली थी, अब जरूर ये स्पष्ट हो गया होगा कि राम हर व्यक्ति के हृदय में रमते हैं, वो हमारे लिए आस्था के प्रतीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एवी स्टार न्यूज में आपने राम के संदर्भ में दिए गए जीतन राम मांझी के बयान पर स्पष्टीकरण सुना, और उन्होंने एवी स्टार न्यूज के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने भगवान राम पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।